प्रणाम साथियों, मैं हूं आपका मोट्रैवलर अक्षय फ्रॉम दिस साइड ऑफ द वीडियो। हम सुबह के 3:30 बजे को आ पहुंचे हैं काकनकोटे सफारी सेंटर, जो मैसूर से 60 किलोमीटर दूर है कबीनी की तरफ। इस सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग करना बेहतर होगा, क्योंकि यहां पे टिकट सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटीज में अवेलेबल होती हैं। जब तक हमने यहाँ आने की डिसीजन ली, तब तक ऑनलाइन टिकट्स फुल हो चुकी थी और इसलिए हमें थोड़ा जल्दी आना पड़ा। लेकिन आप अगर 4:30 बजे भी पहुँचोगे तो टिकट्स मिल सकती हैं। इस फॉरेस्ट सफारी को लोग अंतर संते सफारी और कबीनी सफारी के नाम से भी बुलाते हैं। सफारी सेंटर में सिर्फ बस सफारी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ जंगल लॉजेस और काफ़ी सारे प्राइवेट रिजॉर्ट्स हैं जो जीप सफारी प्रोवाइड करती हैं। हम बेंगलोर से यहाँ एक डे आउट के लिए गए थे और हमने कहीं पर स्टे नहीं किया। अभी आप सफारी के साइट्स एंजॉय कीजिए। सफारी काफ़ी मज़ेदार था और अब हम अपना सफ़र बढ़ा रहे हैं अगले लोकेशन की तरफ, जो है कबीनी बैकवाटर्स की एक तरफ का किनारा। इस अगले लोकेशन पे पहुंचने के लिए आपको काकनकोटे सफारी सेंटर से उदबूर गेट की तरफ जाना पड़ेगा और उदबूर गेट के एडजेसेंट एक रोड जाता है, वहां पे मोड़ लेना पड़ेगा। जुलाई के महीने में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर जगह हरियाली ही हरियाली है। इस लोकेशन पे पहुंचते ही मुझे कश्मीर की बैसारन की याद आ गई, और सिर्फ ये फ़र्क था कश्मीर में और यहाँ पे कि दूर में जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं वहाँ पे बर्फ़ की कमी थी।
यहाँ बैकवाटर्स के पास जो फेंसिंग दिख रही है वहाँ से फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया शुरू होता है। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बाइनोक्यूलर्स लेके जाए क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग हो सकती है। ये जो हम आज लोकेशंस देख रहे हैं ये सब ऑफ बीट लोकेशंस है और खुद की गाड़ी का होना काफ़ी एडवांटेजेस है। ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है और अगर आप कबिनी की तरफ जा रहे हो तो आपको ये लोकेशन मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ काफ़ी समय बिताने के बाद हम निकल रहे हैं हमारे अगले लोकेशन की तरफ। यहाँ पे जहाँ देखो वहाँ हरियाली था एज फार एज द आई कुड सी और यहाँ पे खुली हवा में ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ अलग है। काफ़ी क्लाउडी था जिस दिन हम गए थे और बारिश में ड्राइव करने का मज़ा भी मिल गया। जो हमें राइट साइड में दिख रहा है वो कबिनी रिजर्वायर है। ये जो नैरो ब्रिज हमें दिख रहा है वो कबिनी डैम के ठीक सामने है। अब हम पहुंच गए हैं कबिनी डैम। बैकवाटर्स में हमें मडी वाटर दिख रहा था और यहाँ पे पूरा साफ पानी बह रहा है। हम अपना सफ़र आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं भीमन कोल्ली महादेश्वरा टेम्पल की तरफ। भीमन कोल्ली महादेश्वरा टेम्पल एक नॉन क्राउडेड प्लेस है और ये बैकवाटर्स के ठीक सामने है। एक बहुत बड़ी ओपन एरिया में स्थित है और यहाँ पे आप पीसफुलनेस और कामनेस एक्सपीरियंस कर पाओगे। यहाँ के लोकलाइट्स कह रहे थे कि जब पानी बढ़ जाता है तो बैकवाटर्स मंदिर के काफ़ी पास तक आ जाता है। मंदिर से लग के एक रास्ता है जो बैकवाटर्स के किनारे तक जाता है। पानी के ठीक सामने जाके पार्क करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ का एक्सपीरियंस मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता। यहाँ पे एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस भी हुआ जो आप आगे देखोगे। मैं पहले इसी एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा था। यहाँ के गीली मिट्टी में गाड़ी जाके फंस गई। तो अगर आप यहाँ जाके ड्राइव कर रहे हैं तो मेरे जैसे बिल्कुल भी ना कीजिए और थोड़ा कॉशियस रहिए। एक कच्चा रास्ता है जिसको लेके हम पानी के किनारे तक गए थे तो उसी पे रहेंगे तो बेहतर है। हमने काफ़ी तरकीबें इस्तेमाल की फिर भी गाड़ी बाहर निकलने का नाम भी नहीं ले रहा था, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने हमारी हेल्प की, गाड़ी को पुश किया और उनके हेल्प की वजह से हम वहाँ से बाहर निकले। जो वहाँ दूर दिख रहे हैं वही लोग थे जिन्होंने हमारी हेल्प की एंड अ बिग थैंक्स टू देम। वापस हार्ड ग्राउंड पे पहुँच के हमने कबिनी के किनारों पर ड्राइव किया एंड आई वुडंट बी एबल टू मेक जस्टिस टू द एक्सपीरियंस दैट वी हैड देयर इन विच एवर मैनर आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू यू। क्या जगह है, सच में मजा आ जाएगा आपको। इसके बाद हम पहुंचे गंडेतूर जहां पे कबिनी का दूसरी तरफ का किनारा है।
जगह के बारे में भी बहुत कम लोगों को पता है और यहाँ पर भी फेंसिंग है जहाँ से रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरिया शुरू होता है। आप यहाँ तक खुद अपने गाड़ी में ड्राइव करके जा सकते हो और आप देख सकते हो कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ नज़र आएगा। यहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स पानी वगैरह के लिए आती हैं वो बहुत दूर से दिखते हैं और यहाँ पर भी आपको बाइनोक्यूलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमको हर्ड ऑफ डियर जिसमें हंड्रेड्स ऑफ डियर्स थी, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, बाइसन्स, वाइल्ड डॉग्स, वाइल्ड बोर्स देखने को मिले। और ये किस्सा यहाँ पे रोज का है और देख सकते हैं कि यहाँ पे कैटल भी फीड करती रहती हैं और उस तरफ वाइल्ड लाइफ भी रहता है। शाम के 5-5:30 बजे के बाद यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट ज़्यादा होता है। I discovered the true meaning of spellbound here. Mesmerizing, tranquil, hypnotic, astounding, enthralling, मैं जो भी भारी शब्दों का इस्तेमाल करूं यहाँ पे कम पड़ जाएंगी। That's Kabini for you. ये मेरे लिए एक बहुत ही memorable और बार बार जाने वाली जगह बन गई है। Request to like, share and subscribe. आपकी subscription मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं and do add your valuable comments. Thank you.